माया का मतलब क्या है? बोले जो जो चीज नहीं वो चीज को है मानना, यही माया है। इस संसार में किसका है? कोई है नहीं। हाँ, ये धर्मशाला का परिचित है? नहीं, ये हमारा बच्चे है, ये हमारी दुकान है, ये हमारी मकान है, ये हमारे बेटे, ये स्वप्न देख रहे हैं, ये केवल स्वप्न देख रहे हैं। इसलिए माया को स्वप्न मत बताया ना, जिस स्वप्न में हम क्या क्या देखते हैं स्वप्न में, अरे हम तो करोड़पति बन गए, है करोड़पति बन गए, लेकिन जब नींद टूटता है ना, बस वही बिस्तरा के ऊपर लेट हो गए, हट्टे बुट्टे बिस्तरा में। कहते ये संसार है, माया है। इसलिए कहते वो कौन सा हंस है जो विचित्र विचित्र बात करता है? कहते ये भागवत गीता वेद ये विचित्र विचित्र बात करते हैं। भैया तुम यहाँ के नहीं, अपना घर में वापस चलो, अपना घर में वापस चलो। फिर उन्हें तीसरा प्रश्न की, बोले ये बताओ ऐसे कौन सा बिल है जो बिल में एक बार घुस जाए ना जो निकलने का रास्ता नहीं मिलता है? जो बिल में एक बार चले घुस जाए वो बिल से निकल नहीं सकता है। बोले गुरुदेव किसी बिल में जाएंगे तो निकले आ जाएंगे। बोले यही तो बात है, जिसमें एक बार जिस बिल में चले जाए वहां से निकलने का तुम्हें कोई मार्ग नहीं मिलेगा, बताओ कौन सा? नारद जी ने बताया ये घर गृहस्थी है, ये संसार है, घर गृहस्थी है। देखना सामने एक समस्या हो, हम कोशिश करते किसी तरह से एक समस्या हल हो जाएगा ना, हमें चैन मिलेगा। देखना वो एक समस्या तो हल हुई नहीं, सामने तीन समस्या खड़ी रहती। फिर कोशिश करते हैं भैया किसी तरह से तीन समस्या हल हो जाए फिर तो हमें चैन मिलेगा। देखना वो हल तो हुई नहीं, सामने पांच समस्या, जैसे मकोड़े वो जाल बनाते बनाते उसका अंदर में ऐसे फंस जाते, लास्ट में प्राण उसमें त्याग देते। हम सोचते हैं शायद लिखाई पढ़ाई करेगा ना बस चैन मिलेगा, तभी चैन मिली नहीं, बेचैन रहे। बोले कैसे? बोले बढ़िया कोई नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल गया तभी बेचैन है। बोले कैसे? बोले अच्छी किसी लड़की से शादी कर ली, शादी हो गया फिर बेचैन है। बोले क्यों? बोले संतान नहीं है, संतान नहीं, अभी संतान हो गया तभी बेचैन नहीं। बोले क्यों? बोले संतानों को लिखाई पढ़ाई करना पड़ा अच्छे तरह से ना, उनको अच्छे तरह से लिखाई पढ़ाई करो तभी बेचैन नहीं। सोचता है लिखाई पढ़ाई कर दिया फिर क्या है, तब भी बेचैन नहीं। बोले क्यों? बोले बच्चों को शादी करवाना है। जब शादी करवा दिया हम सोचते थे बच्चे को नौकरी चाकरी करा दो शादी शुदा हो जाएगा ना, फिर तो हमको बेचैन, हाँ फिर चैन मिल जाएगा। देखना फिर बहू आ गई, बहू आ गई तो जब शादी नहीं हुआ बेटे का कहीं सत्संग में चले जाते थे, वृंदावन चले जाते थे, नवद्वीप चले जाते थे पूरी, जब बहू आ गई जब बच्चा हो गया तो डोकरा डोकरी कोई काम नहीं, घूमती रहती है इधर उधर, बच्चे को पकड़ती नहीं डोलती रहती है। फिर देखना ताना मारने लग जाएगा, रोटी ठीक से खाना नहीं खिलाएगी, घर से निकलने नहीं दे, कहाँ जा रहे हो, बच्चे को कौन पकड़ेगा? बच्चे को आप देखना हम जितना सोचते हैं ना उसका टांग जितने निकाल ले देखना उतना ही जीव ज्यादा ज्यादा, फिर बेटा बच्चे, फिर बेटे देखना बेटे को जितना आसक्त उससे ज्यादा आसक्त नाती में होता है, नाती पतियों से ज्यादा आसक्ति हो जाती है। ऐसे करते करते प्राण को बस खत्म। कहते वो ऐसे के बिल है ना जिसमें एक बार चले गए ना बस उससे निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता है। उनका जो पांचवा प्रश्न था, बताओ तो है, बताओ तो पिताजी का हमारा प्रति क्या आदेश है? बोले पिता तो हमें लिखा पढ़ा सीखने के लिए एक बार भेजा। बोले ये पिता नहीं जो परम पिता है, हाँ तुमेव माता च पिता तुमेव, पिता अहम अस्य जगत धाता माता पिता, वो जो परम पिता है उनका क्या आदेश है? उन्होंने जो संसार में भेजे हमें क्यों ये संसार में भेजे थे, हाँ किस लिए भेजे थे? बोले उनका केवल एक आदेश है, स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य ना जातु जिता सर्वे विधि निषेधा सुरतया रेव कंकर, उनका केवल एक आदेश है स्मर्तव्य सततम विष्णु, भगवान को भूल मत हर समय, हैं हर समय उनको स्मरण करो, और निषेध किया है कभी उनको भूल मत, आदेश यही है, आदेश यही है उनको स्मरण करो, और आदेश क्या नहीं है उनको कभी भूलना नहीं। इसलिए हाँ इसलिए कृष्ण कहते हैं उनका क्या आदेश है कृष्ण का, बोले सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, जो उनको ही आदेश है तो सारे धर्म को छोड़ करके मेरे शरण में आ जा, बोले पाप नहीं लगेगा तुम्हें, पाप नहीं लगेगा। कृष्ण क्या कहते हैं, अहम त्वाम
सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि, मैं तुमको सारे पाप से मुक्त कर दूंगा, मां सोचो कोई चिंता मत कर। हैं देखो श्री चैतन्य महाप्रभु किसी, हमारे गुरु जी कहते थे, हम बोलते हैं ना हमारे ऊपर में बहुत सारे दायित्व है, हमारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम कैसे इसको छोड़े कैसे इसको छोड़े, फिर पाप नहीं लग जाएगा हमारी। हम बोलते हैं ना, हम कहते इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो भजने के लिए, आप फिर हमें पाप नहीं लग जाएगा। हमारे गुरु जी कहते थे, देखो बोले महाप्रभु कौन सा अवस्था में सन्यास लिया, पहले पिता ऑलरेडी स्वर्गवास हो गया, पिताजी देहांत हो गए, उसके बाद में जो विश्वरूप था उसने भी सन्यासी ले चुके हैं। बोले एक पिताजी चले गए, जो दो भाई में एक जो भाई था वो भाई भी सन्यास ले चुके हैं। अभी घर में आपको जो पहले जो बंगाली की अवस्था थी, पहले माताएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, वो सबके सब घर के काम करती थी, बाहर कभी कोई नौकरी चाकरी इधर उधर के लिए कोई स्त्रियां कभी घर से कभी बाहर कभी नहीं निकलती थी। स्त्रियां तो कभी कभी ऐसे होती थी जिनका रूप कभी चंद्र सूरज भी जिनका रूप को कभी देख नहीं पाती थी, ऐसी अवस्था में स्त्रियां रहती थी, हैं चंद्र सूरज भी जिनका मुंह को कभी दर्शन नहीं कर पाते, ऐसे हैं वो केवल घर का अपना घर का काम करती थी, अब पुरुष लोग सारे बाहर का काम पुरुष लोग करते थे, ये अवस्था थी स्त्रियों की। और घर में बूढ़ी माँ एक, और घर में विष्णु प्रिया 16-17 साल की विष्णु प्रिया, घर में और कोई नहीं, एक बूढ़ी मैया और 17 साल की पत्नी। महाप्रभु इसी अवस्था में उन्होंने इस संसार को त्याग दिया, त्याग देकर उन्होंने कृष्ण प्रेम में, महाप्रभु कृष्ण प्रेम में डूब करके बाद दिन रात प्रभु की भक्ति में डूबे। इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे, देखो जो हमारे जो आदर्श महाप्रभु है ना, उन्होंने कितने बड़े आदर्श दिखाया, इसी अवस्था में महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया। मतलब इसको ये शिक्षा देते हैं महाप्रभु, जीवन में जितने भी हमारे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर में, कहते ये सर्वश्रेष्ठ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है जीवन का, कहते भगवान की भक्ति, भगवान की जो भक्ति है अगर उसी के लिए अगर कोई जाता है सब कुछ छोड़ करके। गुरु जी कहते थे भगवान 36 करोड़ कर्म कांडी और ब्राह्मण को उन्होंने पिछले नियुक्त कर कर, अगर कोई मेरे भजन करने के लिए आ जाते हैं, इनके जो पीछे का जो काम रहेगा 36 करोड़ उन्होंने कर्म कांडी और ब्राह्मण को नियुक्त करके रखे, इनका सारे पीछे काम तुम्हारा, इसका सारे पीछे काम तुम लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ छोड़ करके मेरे पास में भजन करने के लिए आ गया। तब तो गुरु जी हमारे महाराज जी बहुत एक अच्छे उदाहरण देते थे, भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज वही बहुत अच्छे उदाहरण देते थे, कहते उनको जो गुरु जी थे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, कहते एक गांव में दो शिष्य थे, एक शिष्य तो बड़े जमींदार और एक शिष्य एकदम साधारण परिवार, जो एक साधारण गरीब शिष्य, उसने जो जमींदार जो शिष्य था उससे उसी समय में 5 रुपया उन्होंने उनसे उधार लिए। अभी दोनों कथा सुनने के लिए आते हैं, अभी कथा सुनते सुनते गुरुदेव कथा सुनाते, जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन हमें मिला क्यों, ये जीवन पाकर हमें करना क्या चाहिए, हैं वो कथा सुनाते थे। अभी कथा सुनते 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 वो जो गरीबी शिष्य था ना, मेरा सचमुच से गुरु जी जो बात कहते हैं ये जीवन दुर्लभ है, ये बारम्बार ठाकुर जन्म नहीं देते हैं, अगर इसी जीवन में प्रभु का भजन नहीं किया तो ये जीवन बारम्बार नहीं मिलता, इसी जीवन से किसी तरह से हमें भगवत प्राप्ति कर लेनी चाहिए, हैं और धीरे धीरे ये परमायु ये काल धीरे धीरे जन्म को नष्ट कर रहा है। अभी कथा सुनते सुनते अंदर में जब ये ज्ञान हुई, एक दिन उसने भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के पास में आए, बोले गुरुदेव आपकी जब कथा हम सुनते हैं हमको लगता है जितने जल्दी से जल्दी हो हैं ये प्रभु की भजन में लग जानी चाहिए, क्योंकि जीवन का जो काल जो परमायु ये धीरे 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 नष्ट होते जा रहा है, इसलिए हमारी इच्छा है आकर के आपका श्री चरण में रहे और आपकी चरण की सेवा करें। बोले बेटा अच्छी बात है, आकर के रहो भजन करो। बोले गुरु जी एक समस्या भी है। बोले क्या समस्या? बोले आपका जो वो जो गांव के जो धनी व्यक्ति है ना, उनसे मैंने 5 रुपया ऋणी लिया है, और उसी समय 5 रुपया कोई साधारण बात थी नहीं। बोले अगर जिंदगी भर में कोशिश करूं वो 5 रुपया के ऋणी चुकाने के लिए, जिंदगी में मेरे ऐसी स्थिति है नहीं जो कोई ऋणी को कभी मैं चुका पाऊंगा।
इसलिए गुरुदेव अभी मेरे को क्या करनी चाहिए। तब भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज कहते, बोले बेटा कोई चिंता मत कर, वो मेरे शिष्य है और बड़े पैसा वाला आदमी, और ऐसे नहीं मेरे आदेश को पालना करने वाले, इसलिए तुम मंदिर में आ जाओ, मैं उसको बता दूंगा तुम्हारे ऊपर जो ऋणी, उस ऋणी को उसे मुक्त कर दे। बोला आप बता दो गुरुदेव। बोला हाँ मैं बता दूंगा, कोई चिंता नहीं, वो मेरे शिष्य है। तो उनने गुरु जी के चरण पकड़ रोने लग गए। हाँ रोने लगे गुरु जी के चरण को पकड़ करके। जब फिर तब उन्होंने महाराज के चरण शरण में मंदिर में आ गए। वो शाम को जब वो धनी व्यक्ति आया, तो भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज ने पूछा, बोले अमुक व्यक्ति तुमसे से 5 रुपया ऋणी लिया था तुमसे। बोले हाँ गुरुदेव। बोले देखो उसकी इच्छा है वो आकर के आश्रम में रह करके भजन करे और यहाँ पर ब्रह्मचारी बन करके भक्ति करे, भजन करे, तुम उसको 5 रुपया छोड़ दोगे उसको। बोले गुरु जी हम दोनों ही कथा सुनते हैं, लेकिन तो हम तो दुर्भाग्य है, अभी तक तो हृदय में कोई वैराग्य की भाव आया नहीं। अगर उसकी कथा सुन करके उसकी इच्छा हो रही है आपका श्री चरण में रह करके आपकी चरण की सेवा करे, हाँ मंदिर में प्रभु का भजन करे, गुरुदेव अगर वो आपकी शरण में आ जाएगा, 5 रुपया क्यों, 5 लाख रुपया होता तभी मैं मुक्त करा देता है, मैं उसको मुक्त करा देता, अहो भाग्य तो मेरा बनेगा, हम तो कोई सेवा नहीं कर पा रहे हैं, अगर वो सेवा करेगा तो कम से कम हमें भी तो कुछ सुकृति मिलेगी, क्यों उसके ऊपर हमारे पैसा था 5 रुपया की, इसलिए गुरुदेव हम उसको सारे ऋणी से हम मुक्त कर देते हैं। महाराज जी ये कथा सुना कर कहते थे, बोले उसी तरह जब कोई व्यक्ति संपूर्ण रूप में है संपूर्ण रूप में गुरु जी की शरण में आकर के आश्रम में आकर के संपूर्ण रूप में भगवत भजन करता है, कभी जितने ऋणी है ना किससे लिए हुई है, गुरु जी कहते थे किससे लिए हुई है, कृष्ण से, ये कृष्ण से सारा ऋणी कृष्ण से लिए हुए हैं, भगवान से ऋणी। जब कोई व्यक्ति जैसे ना गुरुदेव कहते थे भक्त नारायण गोस्वामी महाराज, तो सारे ब्रह्मचारी तो सारे घर बार छोड़ कर गए, जिस पिता ने उनका जन्म दिया, लिखाया, पढ़ाया, बड़ा किया है, जिन पिता ने इतनी सब कुछ किया, इन लोगों ने कोई पिता माता की सेवा नहीं की, सब कुछ छोड़ कर क्या किया, आश्रम में आ गए और आश्रम में आकर के ये सब के सब भजन कर रहे हैं सब के सब, फिर इनका कल्याण कैसे होगी, यानी इनकी उधर जा रहे हो। तबीयत खराब है, दवाई लेकर दर्शन करने के लिए। इसलिए गुरु जी कहते फिर इनका क्या होगा जो सब कुछ छोड़ छाड़ कर भजन के लिए आए। हाँ इसलिए गुरुदेव कहते थे वो सारा दुनिया के ऋणी जितने जहां जहां से हम लोग को ऋणी लिए हैं, कभी जगत में जन्म लेने पर आपको 6 ऋणी से आपको उद्धार होना पड़ेगा। क्या क्या 6 ऋणी है बता, देव। क्या क्या 6 ऋणी है? हाँ राजन राजन सर्वात्मना शरण्यम शरण्यम गत्त मुकुंदम परिहर्त कर्तव्यम, एकादश स्कंद में आता है। बोले देव एक देवता ऋणी। बोले क्यों, कि जितने हवा जितने पानी ये बारिश कहाँ से आता है, देवता लोग देते हैं। देवर द्वितीय ऋणी ऋषि ऋणी, क्योंकि जितने ज्ञान है जितने आयुर्वेदिक मेडिसिन कहाँ से आया, ऋषियों से आया। फिर भूत मतलब जीव ऋणी, ये जगत में जन्म लेने पर भाई बंधु कुटुंब परिवार इनसे भी हम लोग ऋणी हैं, इन लोगों को हमें मदद किया है। फिर उसके बाद में पिताजी का ऋणी, उसके बाद में माता जी की ऋणी है, कहते माता जी की तो इतनी ऋणी, पिता माता की कहते हैं करोड़ों जन्म में भी इनका ऋणी कोई मुक्त नहीं कर सकते, इतने जोर जबरदस्त ऋणी इनके चरण है। फिर ऋणी है श्री राजा ऋणी है, राजा नहीं रहेगा तो अराजकता फैल जाएगी, कभी ये सारे ऋणी से हमें मुक्त होनी चाहिए। लेकिन एकादश स्कंध में बताया, बोले सर्वात्मना जो शरण्यम शरणम, जो व्यक्ति संपूर्ण रूप में ठाकुर जी की शरण में आ जाते हैं उनका सारे ऋणी से वो मुक्त हो जाते हैं, किसी ऋणी से उनको मुक्त, किसी ऋणी उसका रह नहीं जाती सारे। इसलिए गुरुदेव कहते थे बात को भक्तिवत्ता नारायण गोस्वामी महाराज, जब संपूर्ण रूप में जैसे हमारे महाराज थे भक्तिवत्ता नारायण, उन्हें कितना उम्र में छोड़ करके आए पत्नी को, 26 उम्र में अपना दो छोटी छोटी बच्ची और उनने परिवार को छोड़ करके आए भजन करने के लिए, वो छोड़ करके आए। लेकिन गुरुदेव और एक बात कहते थे, देखो हमने जो सचमुच से जो मंदिर में ब्रह्मचारी बनने के लिए आए, सचमुच से गुरु वैष्णव की सेवा करनी चाहिए, ऐसे नहीं ढोंगी जैसे बन करके आए
और कभी लोग खा पी करके सो रहे भजन।